वाक्यांश के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मेरे पिताजी जो ईश्वर में आस्था विश्वास रखते हैं। मेरे पिताजी आस्तिक हैं। बच्चों, उपर्युक्त प्रथम वाक्य में जो बात अनेक शब्दों में कही गई है वही दूसरे वाक्य में केवल एक शब्द में कह दी गई है। इसी को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कहा जाता है। आओ यहां कुछ अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग देखें। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, पक्ष में एक बार होने वाला, पाक्षिक, माह में एक बार होने वाला, मासिक, साल में एक बार होने वाला, वार्षिक, जिसका अंत न हो, अनंत, जिसका आदि न हो, अनादि, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त, काम से जी चुराने वाला, कामचोर, जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय, जल में रहने वाला, जलचर, नभ में घूमने वाला, नभचर, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, सुनने वाला, श्रोता, देखने वाला, दर्शक, जो दिखाई न दे, अदृश्य, जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी, जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि, साथ पढ़ने वाला, सहपाठी, मांस खाने वाला, मांसाहारी, जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष, शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी, जहां आसानी से पहुंचा जा सके, सुगम, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, उपकार करने वाला, उपकारी, जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु, जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ, अधिक बोलने वाला, वाचाल, कम बोलने वाला, मितभाषी, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, शरण में आया हुआ, शरणागत, दूसरों के उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न।